अंबाला कैंट, अपनों पे कर्म गैरों पे सितम वाली बात आज सिद्ध हो गई जब निगम की टीम शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए अंबाला कैंट सब्जी मंडी से अभियान शुरू करने पहुंची तो मंडी में पॉलीथीन की भरमार थी। आड़तियों ने पॉलीथीन में सब्जियों को भर कर रखा हुआ था पर निगम की टीम ने उन्हें कुछ नहीं कहा। वहीं पर जब वो रेहड़ी फड़ी वालों के पास पहुँचे तो उनके चालान काट दिए गए। वो बेचारे मिन्नतें भी करते रहे पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। इसी को लेकर रेहड़ी फड़ी वालों में रोष देखने को नजर आया। वहीं निगम की टीम ने लोगों द्वारा अवैध कब्जे भी हटवाए, लोगों का सामान भी जब्त किया। जिस दुकानदार के पास भी गंदगी नजर आई उन सब के चालान काट दिए गए। हालांकि दुकानदारों ने इस पर ऐतराज भी जताया पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला को स्वच्छ करने की बात कही थी तो उसी पर निगम ने ये कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर एक गरीब की रोजी रोटी पर ही निगम का सितम क्यों होता है। वहीं अगर बात करें आड़तियों की तो उन पर निगम का नरम रुख क्यों है। जी, मेरा नाम बॉबी है और यहाँ पे सब गरीब आदमियों के चालान काटे गए हैं। जो नीचे फड़ी वाले बैठे हुए हैं मंडी के अंदर भी जाके जो फड़ी वाले बैठे हैं या बारीडी वाले खड़े हुए हैं उनके चालान काटे गए हैं। पर जो आड़तियों की दुकानों पर 10-10 किलो की पन्नियाँ के ढेर लगे पड़े हैं और उनको उसे कुछ चालान नहीं काटे गए, उनको सब कह के छोड़ दिया है कि हाँ भाई आप आके बात करो। तो ये चीज़ तो गलत है ना कि चालान कट रहा है तो सबका कटना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। या थोड़ी गरीब आदमी तो जो सारा दिन में 500 रुपये नहीं कमाता उसको आपने एक बारी में आप सीधा 500 रुपये ले जाते हैं, ठीक है। गरीब जो आड़ती हैं बड़े जो दुकानदार हैं उनको आपने कोई चालान नहीं काटा, उनको सिर्फ समझाया गया और वो कहा कि आपसे बात करेंगे, ये कहा गया। ये आज बस स्टैंड एरिया में जो बड़ी सब्जी मंडी और उसके बाहर जितने भी रेहड़ी वाले दुकानदार थे उनके वहाँ तक चेक किया गया इनको, और जो मोर्चे पर थे सभी मोस्टली रेहड़ियों पर पॉलीथीन थे तो इसलिए उनको जैसा भी था कि माल सामान जो पत से तो उनको जब वार्निंग भी दे दी थी उस दिन भी कहा गया था जब इन्होंने कहा कि हम दोबारा नहीं रखेंगे, लेकिन आज फिर जो पॉलीथीन इतना जब्त किया गया है और इनके चलाने इसलिए कट गए। उनकी भी रूटीन की चेकिंग चल रही है उनको, लेकिन उनका किसी का चालान नहीं कटा। नहीं, आज जिन जिन का भी आ रहा है जो मौके पे उन सभी को देश दिए जाए कि सभी का काटे जो भी है, ये नहीं है कि ओनली रेडी वालों का ही होगा, दुकानदारों का भी। लेकिन एक भी आड़ती का चालान नहीं कटा, इसका क्या कारण है? ये हो सकता है कि मौके पे उनसे ना पॉलीथीन जब्त हुआ हो। पॉलीथीन तो सारे मंडी में भरे पड़े हैं सर, मंडी में था, सब्जियां भी थी उनके अंदर। तो इसमें अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनको भी आज अभी बोल दिया उनके भी चालान कटे थे। ऐसा नहीं होगा कि दुकानदारों के नहीं होंगे, सभी का जो भी है इसमें सभी के चालान कटे। सर अगर फिर भी लोग नहीं मानते तो आगे का क्या? नहीं, अगर नहीं मानते तो उनके आती हम सामान जब्त करते हैं जो भी है, चलान है मैक्सिमम, फिर वार्निंग है, क्योंकि सिहोत की अपील करते हैं उनको कि सभी जो भी हमारे साथ हैं जैसे प्रशासन के साथ सिहोत करें और जो ये शहर में जो स्वच्छता के प्रति जो हमें ये इसको साफ बनाने में मुहिम चल रही है उसमें हमारा प्रशासन का सहयोग करें। अर्थ प्रकाश के लिए अम्बाला से मंजीत कौर की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।